हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डेवलपमेंट में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग देखेंगे डाइस में अगला पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे खुला पासा, यानी खुले पासे में अगर विपरीत सतहों को आपसे पूछता है तो आप किस प्रकार के उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें आज आपके सामने कुछ प्रैक्टिस लेकर आए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे कि किस प्रकार हम देखेंगे कि विपरीत फलक क्या होगा उसके सामने का, फिर इसके बाद कुछ प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। या कितने प्रकार से ओपन डाइस से प्रश्न बन सकते हैं, प्रत्येक टॉपिक पर पहले हम चर्चा करेंगे, इसके बाद प्रश्नों को लगाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पॉइंट है खुला पासा, ओपन डाइस, ठीक है। ओपन डाइस कितने टाइप से आपको दे सकता है, यह पहला टाइप है। इस टाइप से दे सकता है, ठीक है, इससे दे सकता है, इस टाइप से दे सकता है, या इन्हीं को कन्वर्ट कर देगा, घुमा देता है कभी कभी ऐसे करके या ऐसे करके। इसके अलावा कई केस बनेगा, हम लोग प्रत्येक केस को देखेंगे, इसके बाद हम इस पर सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट केस है, इस सिचुएशन में अगर हमारे पास पासा है, इस टाइप से दे या इस टाइप से दे, तो सबसे सामान्यतः अगर सबसे ईजी क्वेश्चन बनता है तो इस टाइप से बनता है। तो हमने अगर पूछ दे कि जो आपके सामने खुला पासा दिया गया है, इनके विपरीत सतहों का ज्ञान, यानी खुले पासे में विपरीत सतहों का ज्ञान, विपरीत सतह या हल्के खुले पासा में हम लोग क्या देख रहे हैं, खुले पासा में हम लोग देख रहे हैं विपरीत सतह का ज्ञान, ठीक है। जैसे सबसे पहले सिंपल इससे स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे सामने कुछ पासा इस टाइप से खुल के आता है, हम जानते हैं कि एक घन या पासे में कुल कितने फलक होते हैं, तो एक घन या पासा में कुल 6 फलक होते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप से इंटरफेस हमारे सामने आता है तो हम उसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम काउंट करेंगे। सामान्यतः अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हम अपने माइंड सेट में रखेंगे कि एक जो पासा होता है, उस पासे की एक बार में हमें कुल कितनी सतह दिखाई देती है, एक बार में हमें कुल कितनी फेस दिखाई देती है, बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अपने आप खुद ब खुद लग जाएगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक बार में एक पासे की हमें कुल कितनी सतह दिखाई देगी, एक बार में एक पासे की हमें कुल 3 सतह दिखाई देती है, एक बार में एक फलक की हमें कुल कितनी सतह दिखाई देती है, 3, ठीक है। अब इस 3 को हम पहचानेंगे कैसे, यह जो तीनों सतह है यह है कहाँ पर, तो तीनों सतह का एक कॉर्नर होगा, एक कोना होगा जो एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ा होगा। जैसे 2 5 से भी जुड़ा होगा, 1 से भी जुड़ा होगा, 5 2 से भी जुड़ा होगा और 1 से जुड़ा होगा, 1 2 से भी जुड़ा होगा और 5, यानी एक ऐसा कॉर्नर होगा, एक ऐसा कॉर्नर होगा जहाँ पर यह तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच होंगे। मतलब यही वाला पासा है जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है ना, सेम यही पासा है। इसका यह वाला कॉर्नर हमने यहाँ पर रखा है और 2 हमारा इधर, 5 इधर और 1 कहाँ है, ऊपर है। अब हमें ज्ञात करना है कि इसके विपरीत सतहों का ज्ञान हमें कैसे हो, तो हम जानते हैं अल्टरनेट चलेंगे। मतलब एक है, अब एक के सामने तो कभी विपरीत सतह पर तो 2 होगा नहीं, एक के विपरीत सतह पर 2 होगा नहीं, और ना ही एक के विपरीत पर कौन होगा, 5 होगा। एक के विपरीत पर ना 2 होगा और ना ही एक के विपरीत पर क्या होगा, 5 होगा। तो इन दोनों को तो पहले छोड़ देंगे, अब बचा क्या, 6 3 4, तो होगा कौन। अब यह साइड में है, यह भी साइड में है, जाहिर सी बात है कि यह इसका जो होगा, इस एक का विपरीत कौन होगा, 3। यानी अल्टरनेट चलेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ने के बाद मतलब 2 को छोड़ेंगे, फिर इसे काउंट कर लेंगे, यानी इसकी विपरीत सतह कौन होगी, एक का विपरीत 3 होगा, उसी प्रकार 2 का विपरीत कौन होगा, 4 होगा, 2 का विपरीत 4, और ठीक उसी प्रकार 5 का विपरीत कौन होगा, 6 होगा, 5 का अपोजिट कौन होगा, 6 होगा, और यही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। हमने क्या बताया कि हमारा जो पहला है नंबर 1, इसके सामने 2 है, अब 1 2 5, यह तीनों तो एक ही डाइस के 3 सतह हैं, एक ऊपर का है, एक सामने का है और एक साइड का है। तो ऊपर सामने और साइड में यह तीनों लोग तो कभी भी एक दूसरे के विपरीत हो नहीं सकते, इनके अलावा बचे जो 3 सतह है, अब 3 सतह के अलावा जैसे अब यह जो 6 है, 3 है, 4 है, इनमें से कोई एक विपरीत हो सकता है, तो अब एक का विपरीत कौन होगा, तो एक का विपरीत कभी यह किनारा तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जब हम इधर 5 वाले थ्रू से देख रहे हैं तो हमको 5 दिखाई दे रहा है, अगर इस कॉर्नर से हम देखेंगे तो हमें कौन नजर आएगा, यानी इस कॉर्नर से जब देखेंगे इधर इसके पीछे 5 के पीछे वाले कॉर्नर से देखेंगे तो हमें कौन नजर आएगा, 6 नजर आएगा, यानी 1 2 6 या 1 2 5 एक दूसरे के क्या है, आमने सामने होंगे, विपरीत तो होंगे नहीं, लेकिन 5 6 के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, 5 जो है 6 के क्या हो जाएगा, विपरीत। अगर इस कॉर्नर से देख रहे तो हमें 5 नजर आ रहा है,
इस कॉर्नर से देखेंगे तो इसके पीछे कौन आएगा, 6 आएगा, अर्थात 5 के विपरीत कौन हो गया, 6 हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम पहले में देखें, ठीक इसी प्रकार जैसे यह इसके अपोजिट है, ठीक इसी प्रकार अगर हम पहले में देखें तो पहले वाले में हमारा है 2 है, 1 है, 5 है, 2 है, 1 है और 3 है, 2 कर लेते हैं, 1 और 3 मान लेते हैं कि हमारा यही डाइस है, यही वाला डाइस है जिसे हमने ओपन कर दिया है, इसी पासे को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया और इसका एक कॉर्नर ले लिया, कौन सा कॉर्नर, यह वाला। यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमको सामने कौन नजर आ रहा है, 3, ऊपर 2, बगल में 1, यानी 2, 1, 3। अब यह तीनों तो कभी भी एक दूसरे के विपरीत होंगे नहीं, एक बार में एक पासे की जितनी सतह हमें नजर आती है, 3 जो सतह नजर आती है, वह 3 सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। अब बची हुई जो 3 सतह है उनके ऊपर जो नंबर गुदा होगा वही इन तीनों के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक, जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर 2, 1, 3 यह तीनों एक दूसरे के विपरीत हो नहीं सकते, तो होगा कौन, यहाँ पर भी 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 6, तो 2 के बाद हम सीधा एक खाना छोड़कर तीसरे पर जाएंगे, मतलब इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इस पर जाएंगे, यानी 2 का विपरीत कौन होगा, 6। उसी प्रकार 1 का विपरीत कौन होगा, 5, और 3 का विपरीत कौन है, 3 का विपरीत क्या है, 4। यानी पहले वाले डाइस में 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, यानी यह इससे क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, क्या है भाई, विपरीत है। हमने कैसे बताया, हमने सबसे पहले एक कॉर्नर लिया और इसके आसपास दिखने वाली जो 3 सतह है उसको ले लिया, इसके बाद यहाँ से अल्टरनेट कर दिया, पहले को लिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को लिया, यानी पहला तीसरा एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, दूसरा और छठवां भी एक दूसरे के, सॉरी दूसरा और चौथा भी एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। उसी प्रकार पाँचवा और छठा भी, सॉरी यह 3 नीचे वाला इस ऊपर वाले से क्या होगा, विपरीत होगा, क्लियर। चलिए इसी प्रकार पहला दूसरा हो गया, इसी प्रकार अगर हम तीसरे की बात करें, किसकी बात करें, तीसरे वाले की, ठीक है, तो तीसरे वाले में आप चाहे तो इस वाले को ले लें या इस वाले कॉर्नर को ले लें, हम इस वाले कॉर्नर को लेते हैं, इस कॉर्नर को लेंगे, तो एक बार जब इस कॉर्नर को ले रहे हैं तो कौन कौन सी सतह हमें नज़र आ रही है, ऊपर 6 ले लेते हैं, इधर 1 ले लेते हैं, इधर 2 ले लेते हैं, 6 हो गया ऊपर, 1 हो गया सामने, 2 हो गया साइड में, यानी यह तीनों तो एक दूसरे के कभी भी विपरीत होंगे नहीं, यह तीनों एक दूसरे के विपरीत कभी भी नहीं होंगे। लेकिन अब एक को जब लेंगे तो एक का विपरीत कौन होगा, तो एक खाना छोड़कर, मतलब एक के बाद 6 इसको छोड़ देंगे, एक के बाद 6 के बाद कौन आ गया, 5, यानी एक का विपरीत कौन होगा, यहाँ पर एक का अपोजिट 5 होगा। उसी प्रकार 6 का अपोजिट कौन होगा, 4, ठीक है। अब बचा कौन, 2, 2 का अपोजिट कौन होगा, 3, यानी 6 का अपोजिट हो गया 4 और 2 का अपोजिट हो गया 3, यानी यह जो सतह है इसमें क्या है, इस ओपन डाइस में यह एक दूसरे के विपरीत है, इस डाइस में यह एक दूसरे के क्या है भाई, विपरीत है, क्लियर। चीजें समझ में आ रही है, ऊपर वाले की विपरीत नीचे वाली जो नंबर है वह दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार इसकी हम बात कर लेते हैं, इसमें भी वही कर लेते हैं, इस बार या तो इसको कॉमन कर लें या तो इसको कॉमन कर लें, जब कॉमन करेंगे तो 3 सतह हमें नजर आएगी, आएगी नजर ना, यहाँ पर कर लेते हैं, तो 6 है, 2 है, 3, अब यह तीनों तो एक दूसरे के विपरीत होगी नहीं, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी नहीं, अब एक के बाद कौन है, 3, और 2 के बाद कौन है, 4, और 6 का विपरीत क्या होगा, 5, यानी एक का अपोजिट 3 है, 2 का अपोजिट 4 है और 5 का अपोजिट 6 है, 1 का 3, 2 का 4 और 5 का 6, ये है इनकी क्या, अपोजिट साइड, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बनेंगे, ये तो सिंपल से प्रश्न थे, मतलब सिंपल ओपन डाइस थे, यहाँ पर आप आसानी से कर जाते हैं, कभी कभी जो संरचनाएं होती हैं थोड़ा सा क्रिटिकल कर देता है, जटिल कर देता है, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम लोग इसको मिटाकर आगे वाले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पहले वाले में हमने 4 को देखा था, इस बार हम 4 और देखते हैं अन्य टाइप पे, जहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है, इस तरह से ओपन डाइस आपको दे देगा और इसमें से आपको ओपन डाइस के विपरीत सतह को क्या कर देगा, पूछ देगा। जैसे हमारे पास एक 5वीं डायग्राम है, मतलब 5वां चित्र है, इसमें देखिएगा कुछ इस टाइप का ओपन डाइस देगा और आपके सामने कुछ 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, या 2 के विपरीत क्या होगा, या 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी किसी एक कॉर्नर को पकड़िए,
ठीक है। अब यह तीनों सतह एक साथ दिखेंगी, अगर यहाँ पर हम इस कॉर्नर को पकड़ते हैं इसको, यहाँ पर यह तीनों सतह हमको क्या दिखेंगी, एक साथ दिखेंगी। इसको पकड़ेंगे तो यह तीनों सतह एक साथ दिखेंगी, मतलब किसी कॉर्नर को पकड़ेंगे अगर हम इसको लेते हैं तो 6 3 4 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अगर इस कॉर्नर को हम लेते हैं तो 5 1 2 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। अगर हम इसको लेते हैं तो 2 3 6 एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। इसको लेते हैं तो 5 2 3 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। बाकी चीज़ें वही है, अटल रेट वाला नियम लगा दीजिए, 1 का विपरीत क्या होगा 3, 2 का विपरीत क्या होगा 4 और 5 का विपरीत क्या होगा 6। क्लियर। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, 1 का अपोजिट हो गया आपका 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया। इस टाइप के प्रश्न जब भी आप बने एग्जाम में आप आसानी से कर पाएंगे, 1 का विपरीत 3, 2 का 4, 5 का 6 एकदम आसान है। एक को, एक वाला जो डब्बा है इस खाने को लेंगे, इसके बाद दूसरे वाले को छोड़ देंगे, तीसरा वाला इस पहले वाले का क्या होगा, अपोजिट, और दूसरे वाले का चौथा वाला क्या होगा, अपोजिट। ठीक इसी प्रकार पांचवें के बाद, मतलब पांचवा वाला जो डब्बा है बीच में एक कॉलम है ना, एक ही कॉलम है, इसके बाद जो तीसरा कॉलम होगा वही पांच का क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम छठवीं आकृति को देखें तो छठवीं में भी सेम कंडीशन है, 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 4, 1 का 3, 2 का 6, 5 का 4, यानी 1 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया, 5 का अपोजिट 4 हो गया, यानी ये सातवीं आकृति के क्या है, आंसर है। ठीक इसी प्रकार अगर हम आठवीं में देखें, सॉरी सातवीं में देखें, हमारी छठवीं थी, सातवीं आकृति में देखें तो हमारा 5 का विपरीत क्या होगा 6, 4 का विपरीत 1 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, यानी 5 का अपोजिट 6, मतलब 5 का 6, 4 का 1 और 3 का 2, यह एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, ओपन डाइस के विपरीत सतह हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम आठवीं आकृति में देखें तो 5 का क्या हो जाएगा 6, 2 का 1, 4 का 3, यानी 5 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3, यह है हमारी आंसर। ठीक है इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तक तो टर्म आसान रहा, यहाँ तक तो चीज़ें आपको एकदम हूबहू स्पष्ट समझ में आई, लेकिन अब क्या करेगा, इन्हीं डायग्राम में इन्हीं चित्रों में कुछ न कुछ परिवर्तन कर देगा, कुछ इस टाइप से दे देगा। हो सकता है कि यह वाला जो कॉलम है यह इस वाले कॉलम को उठाकर यहाँ पर जोड़ देगा, इसके नीचे जोड़ देगा, इस वाले कॉलम को यहाँ पर जोड़ देगा, तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, यानी डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, और आपसे इसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब विपरीत जो सतह होगी उस सतह को आपसे क्या करेगा, पूछेगा। जो विपरीत सतह होगी उस सतह को आपसे क्या करेगा भाई, पूछेगा, कुछ इस टाइप से दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पर जो नंबर है इसका अपोजिट कौन है बताइए। ठीक है आइए इस टाइप के भी प्रश्नों को देखते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर। ओके चलिए आइए कुछ आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस प्रकार से भी प्रश्न आपके सामने बन सकता है, ओपन डाइस का इस प्रकार से डाइस दे सकता है, इस टाइप से कर सकता है या ऐसे कर सकता है। अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जितना क्रिटिकल हो सकता है उतने प्रकार के डाइस को देखेंगे। जैसे इस टाइप से अगर डाइस दे दे तो आप विपरीत सतह कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, टर्म वही अपनाइएगा, एक कॉलम को छोड़कर दूसरा एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी 5 का विपरीत क्या होगा 5 का अपोजिट 2 होगा 1 का अपोजिट 6 होगा 1 का क्या होगा भाई 6 होगा, तो बीच में बचा कौन, 4 और 3, यह 4 का अपोजिट कौन होगा 3 होगा, यानी 4 का अपोजिट 3 होगा, 5 का 2 हो गया 5 का 2 1 का 6 और 4 का 3, यानी इस टाइप से भी प्रश्न बन सकता है आपके सामने, तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ऐसे करके डाइस देगा तो आप सीधा पहले वाले बॉक्स को दूसरे को छोड़कर तीसरे वाले बॉक्स से कंपेयर करेंगे, मतलब पहला दूसरा तीसरा, तो पहला वाले को लेंगे और तीसरे वाले से कंपेयर करेंगे, मतलब पहला और तीसरा एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक उसी प्रकार नीचे का भी पहला और तीसरे एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट, तो जो शेष बचेगा दो वह एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा, यानी ऐसा कॉलम मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, आप उसे टिक करके आएंगे। वही चीज़ें सेम यहाँ पर है, इस बार डाइस ऐसे था, इस बार थोड़ा सा घुमा दिया, यानी 5 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 6, बचा कौन, 3 का अपोजिट 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 5 का अपोजिट 1, 5 का 1, 2 का अपोजिट 6, बचा कौन, 3 का अपोजिट
फोर, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। इस बार डायरेक्ट को क्या कर दिया है, यहाँ पर क्षैतिज है, यहाँ पर लंबवत कर दिया है, यहाँ पर पट है और यहाँ पर क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है। ठीक है, चीज़ें वही है। पहला बॉक्स को तीसरे बॉक्स से कंपेयर करेंगे, पहले को तीसरे के क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे, पहले को तीसरे से विपरीत करेंगे, जो शेष बचेंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। फिर से वही चीज़ें, पहला डब्बा और तीसरा डब्बा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। पहला और तीसरा एक दूसरे के विपरीत है, जो बचा हुआ शेष है वह एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चित्र जो है थोड़ा सा हटके है, हटके का मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का। अगर हम ध्यान से देखें तो यह वाला जो नियम है, पहला बॉक्स और तीसरा बॉक्स वाला एक जगह तो काम कर रहा है, पहला बॉक्स और तीसरा बॉक्स वाला तो एक जगह काम कर रहा है, लेकिन और कहीं काम करेगा नहीं। लेकिन एक चीज़ हमने अभी सॉल्व किया है ना, इस वाले कॉलम को अगर ढक दे कुछ देर के लिए, तो ऐसा टर्म हमको मिला था, ऐसा टर्म मिला था ना, जहाँ पर एक साइड एक बॉक्स दाईं ओर निकला था और एक बॉक्स बाईं ओर निकला था। तो हमने देखा था कि पहला बॉक्स और तीसरा बॉक्स एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और उसके बीच में मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बॉक्स है, इसके दाईं ओर भी एक बॉक्स है और बाईं ओर भी एक बॉक्स है, यह दोनों बॉक्स एक दूसरे के क्या होते थे, विपरीत होते हैं। अभी हमने पीछे किया है सातवें आठवें फैक्ट में, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक का अपोजिट तो यहाँ पर फोर होगा, वन का अपोजिट फोर होगा, टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, टू का अपोजिट फाइव। क्यों फाइव होगा, क्योंकि जब इसे हम ढक रहे हैं तो यह इसी से सटा हुआ है, अर्थात यह पहला बॉक्स, यह दूसरा, यह तीसरा, तो पहला तीसरे के क्या होता है, अपोजिट। बचा हुआ शेष जो है, बचा हुआ शेष जो बॉक्स है वह एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, अर्थात एक का अपोजिट वन का अपोजिट फोर, टू का फाइव, थ्री का सिक्स। क्लियर, बनाइए इसके साथ, बढ़ते हैं आगे टाइप मतलब अगले टर्म की ओर, और कितने प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, ये हम लोगों का नौवां और दसवां फैक्ट होगा, सॉरी दसवां या ग्यारहवां जो भी होगा, अगला ही होगा। इस टाइप के भी डाइस दे देते हैं और इनकी विपरीत सतह हमसे पूछ लेता है कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है, बस ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे, चीज़ें अपने आप खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, यह जो डाइस है, अब इसमें तो तीन सतह लगातार दिख नहीं रही है, आप अगर देखेंगे तो आपको तीन नज़र आएंगी, जैसे यह है ना, इसमें यह भी तो सटा हुआ है। अगर इस कॉर्नर की बात करेंगे, यह जो तीन दो तीन चार, या इस कॉर्नर की बात करेंगे एक दो तीन, यानी यह एक और चार जो है एक ही डाइस की तीन सतह है, सॉरी यह तीनों एक दो तीन एक ही डाइस के तीन सामने वाले दिखने वाले फेस हैं। अगर इनकी हम बात करें तो यह तीनों कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। इस कॉलम की बात करें, इस कॉर्नर की बात करें, तो चार पाँच छः एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं होंगे। यहाँ पर भी अगर इस कॉर्नर से हम देखेंगे तो एक दो तीन एक साथ नज़र आएंगे, यहाँ से अगर बात करें तो चार पाँच छः एक साथ हमें नज़र आएंगे, यानी यह तीन यह तीन के विपरीत होंगे, कभी भी यह तीनों आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी यह कभी यह तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो अपोजिट होगा कौन, अपोजिट होगा कौन, तो बस आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल वही पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, यानी पहले बॉक्स का अपोजिट कौन होगा, तीसरा, पहले बॉक्स का अपोजिट कौन होगा, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो बचा कौन, जो शेष बचा वही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यानी एक का अपोजिट कौन है, चार, यानी वन का विपरीत फोर, थ्री का विपरीत या टू का विपरीत कौन है, टू का विपरीत है फाइव, और थ्री का अपोजिट कौन है भाई, सिक्स, यानी एक का विपरीत है चार, एक का चार, दो का पाँच, तीन का छः। ठीक है, हमने क्या बताया कि पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, यानी पहले बॉक्स का विपरीत तीसरा बॉक्स होगा, पहले बॉक्स का विपरीत तीसरा बॉक्स होगा, और जो शेष बचेगा वही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, जो शेष बचेंगे वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सेम कंडीशन उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यह अगर हम ध्यान से देखें तो यह पहला बॉक्स, यह दूसरा बॉक्स, या तीसरा बॉक्स, पहला दूसरा तीसरा, यानी एक का अपोजिट चार, तीन का अपोजिट छः, जो बचा हुआ शेष है वह ही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब एक का अपोजिट यहाँ पर कौन होगा, चार होगा, एक का चार, दो का कौन होगा, दो का भी कौन होगा पाँच, और बचा तीन का कौन होगा छः, अर्थात सेम यही डायग्राम है, इस बार अनुप्रस्थ था, इस बार लंबवत कर दिया, मतलब लेटा हुआ था, इस बार क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है, तो आंसर भी सेम आ गया। आंसर भी देखिए, यहाँ पर भी एक का चार, दो का पाँच, तीन का छः, एक का चार, दो का पाँच, तीन का छः, नंबरिंग भी सेम है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। अगर नंबरिंग चेंज करता है कभी कभी क्या करेगा, हमने तो नंबरिंग ले लिया ना, क्वेश्चन में कभी कभी सिंबल दे देता है, डॉलर का दे दिया, रुपीज़ का दे दिया,
या किसी और सिंबल दे देगा, कुछ अक्षर दे देगा ए बी सी डी, कुछ और अक्षर हिंदी के उच्चारण दे देगा क क ग, ऐसे करके दे देता है, या कभी कलर लिख देता है लाल पीला हरा नीला, किसी भी टाइप से प्रश्न बनेंगे। तो संभवतः इतनी जो हमने आपको टाइप बताई है, यही टाइप में से कोई ना कोई एक टाइप पर आपसे प्रश्न पूछेगा। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ प्रश्नों के साथ, जिसमें हम लोग खूब दबा के प्रत्येक पॉइंट पर एक एक, कम से कम हर टॉपिक पर एक एक सवाल लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।